हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिविल हाउस डिज़ाइन में। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो सेफ्टी टैंक डिज़ाइन सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्टेंस बिटवीन सोकपिट एंड ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, यानी कि जो हमारा सोकपिट होता है और ड्रिंकिंग वाटर सोर्स होता है उसके बीच में डिस्टेंस कितना रखना है। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है हमारा सोकपिट और ग्राउंड वाटर टेबल के बीच के डिस्टेंस पर। यानी कि अगर ये डिस्टेंस जो सोकपिट और ग्राउंड वाटर टेबल के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा तो हम जो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है उसे हम सोकपिट के पास ही रख सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टेंस कम होगा, यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी ऊपर ही आ जाता है, तो हमें ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को अधिक दूरी पर रखना पड़ेगा सोकपिट से। तो ये डिस्टेंस कैसे दिया जाता है? अगर सोकपिट और ग्राउंड वाटर टेबल के बीच का डिस्टेंस 6 फीट 7 इंच यानी कि 2 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस है, जब ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम उसको पास में ही रख सकते हैं, यानी कि तो हम ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को सोकपिट से मिनिमम 9 फीट 11 इंच यानी कि 3 मीटर तक की डिस्टेंस पर रख सकते हैं। और अगर सोकपिट और ग्राउंड वाटर टेबल के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 फीट 7 इंच से कम है, यानी कि 2 मीटर से कम है, यानी कम होने का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ही पास में, तो इससे क्या होगा कि ये जो सोकपिट का वेस्ट वाटर है वो उससे ये ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को इससे अधिक दूरी पर रखना है। तो ये दूरी क्या होती है हमारी, मिनिमम डिस्टेंस होता है 33 फीट यानी कि 10 मीटर। तो जब हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो सोकपिट से 6 फीट 7 इंच से कम डिस्टेंस पर होगा तो हम ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को सोकपिट से मिनिमम 33 फीट के डिस्टेंस पर रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो पॉल्यूटेड नहीं आएगा और स्वच्छ रहेगा, इससे सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसलिए ये बात खास ध्यान देने वाली है कि जब भी सोकपिट बनाएं तो हम ड्रिंकिंग वाटर को कितने डिस्टेंस पर रख रहे हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सेकेंड पार्ट है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।